मैं सेकंड के आया सब लोग मुझे इग्नोर करने लगे. मैंने भी तो मेहर और बल्लू जितनी मेहनत की थी, मुझे बस 2% कमा है, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर सब लोग मुझे ऐसे ही अवॉइड करते रहेंगे तो फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा. नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा. मुझे अपनी सारी बातें बालवीर से शेयर करनी चाहिए. वो तो हम सब बच्चों का दोस्त है, वो मेरी बात जरूर समझेगा और बाकी सबको भी समझाएगा और फिर सब लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे. मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ. बालवीर क्यों नहीं आ रहा? वो भी मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ. बालवीर, बालवीर, लगता है बालवीर को मेरे सेकंड आने की बात पता चल गई है और वो भी मुझे सब लोगों की तरह इग्नोर कर रहा है. अब बालवीर सिर्फ विष उगलेगा, बुराई का विष. धीरे 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 बोलिए भावनाश, नहीं वरना चल जाएगा पता परियों को हमारे यहाँ होने का. धीरे, ऐसा नहीं होगा. तौबा तौबा, परियां ना मुझे देख सकती हैं ना मुझे सुन सकती हैं. मैं तो हैरान हूँ कि बालवीर को बचाने के बजाय ये लोग क्या सोच रहे. महाविनाशनी, छोड़ो परियों को और वो देखिए, देखिए उस यंत्र को, है वो कितना अजीब. रानी परी, हम यहाँ क्यों आए? हमें तो बालवीर को बचाना है. धैर्य रखिए परियों, हम बालवीर की सहायता हेतु ही यहाँ आए. परियों, हम समय वाहक यंत्र की मदद से बालवीर को ठीक कर सकते हैं. हाँ रानी परी, हम इस यंत्र की मदद से बालवीर को बचा सकते हैं. लेकिन रानी परी, आपने कहा था कि इस यंत्र का प्रयोग नहीं करना है. हाँ परियों, हमने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन इस समय बालवीर को ठीक करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें समय वाहक यंत्र का उपयोग करना ही होगा. जल्दी कीजिए गल परी. जी रानी परी. जो काम कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, वो ये यंत्र कैसे करेगा? उसके लिए हमें चल के जाना होगा अंदर महाविनाशनी. मतलब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा ना कि है कैसे काम करता वो यंत्र. परी, परी, जब बालवीर को नाक डसने वाला था तो आप दोनों वहां मौजूद थे. अब आप दोनों इस समय वाहक यंत्र की मदद से समय के उसी पड़ाव में जाकर बालवीर को नाक के डसने से बचा सकते हैं. जाइए परियो. हाँ हाँ परियो, जल्दी जाइए और हमारे बालवीर को बचा लीजिए. We'll be right back.
लगातार परी है। इस यंत्र से निकली किरणें आपको इस घटना तक पहुंचाएंगी। हाँ परी, जल्दी जाइए और हमारे बालवीर को बचा लीजिए। आप धैर्य रखिए बालपरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बालपरी, बालवीर ठीक हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है तौबा तौबा? हो नहीं सकता, ऐसा हो रहा है, ऐसा वो भी हमारी आंखों के सामने। भाविनाशनी, कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें, वरना हो जाएगी आपकी योजना विफल। रोकना तो मैं चाहती हूँ, पर अपने आप को रोक रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये यंत्र और ये परियां कैसे बचाती है बालवीर को। जो मैं देख रही हूँ। शाबाश परियो, शाबाश। शुक्रिया परियो। ठीक हो रहा है रानी परी, हमारा बालवीर ठीक हो रहा है। हाँ बाल परी, उमा रानी परी। बालवीर, बालवीर आप ठीक हो गए? मैं ठीक हूँ। अब है डाल सकते कैसे आंखों देखी बात को, निकला ये तो यंत्र कमाल का। परी, ब्रजदार परी, शाबाश। शुक्रिया रानी परी। शुक्रिया परियो, आपने बालवीर की जान बचा ली। बालवीर, चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ माँ, चलिए चलिए परी। क्या बंटा थार, पलट गया आपका वार। करने चली थी बालवीर पे वार, बन के रह गई आखिर लाचारी। है ये तो वही पत्र। बालवीर के बचने की खुशी में मूर्ख परियां इस पत्रक को यहीं छोड़ गई।
यंत्र तो मैंने देख ही लिया कैसे चलता है, पत्रक भी मेरे हाथ में है। तौबा तौबा, अब तुम देखते जाओ कि महाविनाशिनी क्या करती है। महाविनाशिनी की जय हो। कितनी देर तक मैंने बालवीर को आवाज लगाई लेकिन वो नहीं आया। मैं फेलियर हूँ, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। रॉकी, एक दो मिनट रुकना, दो मिनट में ये कर्टन का काम खत्म हो जाएगा। हाँ, मेरी भजन की सीढ़ी कहाँ रख दी, तब से ढूंढ रहा हूँ। हाँ, चली गई सीढ़ी। अरे किसी ने सीढ़ी देखी है क्या? लगता है बाबूजी ये वाली सीढ़ी ढूंढ रहे। बाबूजी, सीढ़ी यहाँ पे दिख नहीं रही। अरे तो लेके आना। लेकिन बाबूजी मोटा भाई तो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जल्दी से सीढ़ी लेके आ। मोटा भाई सीढ़ी देना उनको। मेरी कर मत कर, मैं संभाल लूंगा यहाँ। तू बापू जी को सीढ़ी दे, उनको सीढ़ी नहीं मिली ना तो उन्हें संभालना भारी पड़ जाएगा। जा। पक्का? अच्छा। तू सीढ़ी लेके आया? मैंने तुझे पूजा के लिए भजन की सीढ़ी लाने के लिए कहा था। चल। अरे पिता, कैसे गिर गया? या या। अरे ठीक है ना? अरे बेटा तू ठीक तो है ना? जरा भी ठीक नहीं हूँ बापूजी। रॉकी, तुझे सीढ़ी और सीढ़ी में फर्क नहीं दिखता है? मोटा भाई, सीढ़ी और सीढ़ी में फर्क दिखता है, देखने में फर्क दिखता है लेकिन सुनने में सब एक जैसा लगता है। सीढ़ी 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 सीढ़ी। माँ मैं आ गया। अरे बल्लू, ये लो, बल्लू भी अपने चाचा के यहाँ से आ गया। आज डिनर में मैं तुम लोगों का मनपसंद खाना बनाना चाहती हूँ, बोलो क्या खाओगे? माँ मुझे आपके हाथ के गरम गरम थेपले खाने हैं और मुझे कोफ्ते की सब्जी। ठीक है, लेकिन मुझे कोफ्ते की सब्जी नहीं पसंद। ओ भाई ओ, सब्जी पसंद ना होना फिर भी खानी पड़ेगी। क्या है, बल्लू और महर फर्स्ट रैंक लाए तो उनके पसंद की सब्जी आज बनेगी। तू फर्स्ट रैंक लाएगा ना तो तेरे पसंद की भी बनेगी है? लेकिन आज तो इनके पसंद की ही बनेगी। और सबके पसंद की सब्जी बने उतना मेरा बजट नहीं है। ये आप लोग इतना ऐसा गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? अरे भाई, मुझे पता है बापूजी, स्मिता की ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन भाई मैं भी तो मानव का बाप हूं, मुझे भी उसकी चिंता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वो मानव के भले के लिए कर रहा हूं। देखना अगली एग्जाम में मानव फर्स्ट रैंक ला के दिखाएगा। कमाल का यंत्र मेरे हाथ लगा है, अब इस यंत्र की मदद से मैं बालवीर को बुराई के रास्ते पे चलाऊंगी, सच्चाई का दुश्मन बनाऊंगी। जो कहानी बाल परी ने सुनाई थी उसके हिसाब से 10 साल पहले भयंकर परी ने बालवीर को बुराई की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। उस समय तो बाल परी ने बालवीर को बचा लिया, इस बार कौन बचाएगा? मुझ में भयंकर परी के अंश है, इस यंत्र की मदद से मैं उस घटना को दोहरा सकती हूँ और बालवीर को भयंकर परी के तीर का शिकार बना सकती हूँ। कीजिए कीजिए जल्दी।
तुम्हारी बुराई का अंत बहुत ही नजदीक है महाविनाशनी। महाविनाशनी, अब से तुम्हारा समय खत्म। जो खेल महाविनाशिनी शुरू करती है उसे महाविनाशिनी ही खत्म करती है। ये तुम्हारी गलत फहमी है महाविनाशनी। ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे। रानी परी, महाविनाशिनी से उलझना इतना आसान नहीं। महाविनाशिनी, महाविनाशिनी तो भाग गई। हाँ बाल परी, महाविनाशिनी आज सिर्फ भागने में कामयाब हुई है बल्कि उसे इस यंत्र के बारे में भी पता चल गया है। हाँ रानी परी, तो ये ठीक नहीं हुआ। रानी परी, समय वाहक यंत्र का पत्रक तो है ही नहीं यहाँ पर। क्या? कहीं उस पत्रक को महाविनाशनी तो नहीं ले गई? ऐसा कैसे हो सकता है परी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये देखिए परी, ये देखिए, ये तो वही दृश्य है जिसमें सूर्य पूर्णिमा के दिन बालपरी ने बालवीर को बुराई का तीर लगने से बचाया था। इसका मतलब महाविनाशनी इस घटना में जाकर बालवीर को बुराई के तीर का शिकार बनाना चाहती थी। और अब तो महाविनाशनी के हाथ में इस यंत्र का पत्रक भी लग गया है। अगर वो अपने संकल्प में सफल हो गई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। बालवीर बुराई की तरफ चले जाएंगे और फिर चारों ओर बुराई को फैला देंगे।